سنی پٔتۍ کِنۍ جناب نیبر میڈم ٹائٹ کٹ پیشنٹ صاحب سے تر جھڑک تھوڑا تھو پاٹ सर यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी में पार्टिशनर्स हॉरर्स डे मनाया गया, तो क्या क्या कहना चाहते हो? बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये आज का दिन है 14 अगस्त, ये पूरे मुल्क के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बदकिस्मती का एक दिन था। इसलिए ये हमें यूमी सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। उस दिन हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग घरों से बेघर हो गए, कत्ल गारत हुआ। तो हम इसको कंडम करते कि ये 14 अगस्त जो आज हम मना रहे हैं यूम सियाह के तौर पर, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती थी हमारे लिए जो पार्टीशन हुआ। तो इसलिए हम आज म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग, मेरे जो काउंसलर्स हैं, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे जो लोग हैं, आज हम इस दिन को यूम सियाह के तौर पर मनाते हैं 14 अगस्त को। साहब, कल 15 अगस्त का जो दिन है, आज़ादी का जो दिन मनाया जा रहा है, तो क्या कुछ तैयारियां की म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग ने? म्युनिसिपल कमेटी कोकरनाग ने, हम 15 दिनों से लगे हैं, बड़े जोश खरोश हमारे लोगों में है, बड़े उत्साह हमारे लोगों में है, हमारे एम्प्लॉय में है, हमारे ऑनरेबल काउंसलरों में, और हमारे जो यहाँ पर इको गार्ड्स, जो गवर्नमेंट ने हमें इको गार्ड्स बोलने को दिए, तो उनमें उत्साह है। तो सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। क्या मैसेज रहेगी 15 अगस्त? मेरी मैसेज यही रहेगी हर किसी भारतवासी को कि तिरंगे को अपना जान समझो। ये हर घर तिरंगा है, इसको हमें चाहिए। चाहे मैं किसी भी स्टेट की बात करूँ, ये कश्मीर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे मरते दम तक। हमें इस झंडे का सम्मान करना चाहिए, हमें उन शहीदों को बोलना नहीं चाहिए जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अपनी जान निछावर की। चाहे हम सुखदेव की बात करें, चाहे हम किसी, चाहे महात्मा गांधी की बात करें, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमें उनके सम्मान में इस झंडे को अपने घरों के ऊपर, अपने दिलों में बसाना चाहिए। बाकी शुक्रिया।